of a metal seal is in the form of frustum of cone of height 16 centimeter. Okay, so let's. So this will be your h, this will be your r, and this will be your small r. So height of the cone is given to you, that is h is equals to 16 centimeter with radii of its lower and upper ends are. So radii, this will be your 8 centimeter and this will be your 20 centimeter. Now find the cost of milk which can be filled the container at the rate of rupees 20. So rate of milk is given to you. So rate of milk is zero, that is rupees 20 per liter. Also find the cost of metal seed used to. So rate of metal seed, that is equals to rupees 8 per 100 centimeter square. We have to take the pipe 8.1. Now this is the given data for you. Yeah, aapka data hai. Okay, so let's start. क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है. वन, दैट इज द हाउ मच, दैट इज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मिल्क, यानी हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क. ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ मिल्क किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू द रेट इनटू क्वांटिटी. तब आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि आपका फॉर्मूला ही होता है रेट इनटू क्वांटिटी. सो कॉस्ट ऑफ milk is equal to rate into quantity. Quantity will be your what? Yeah, so quantity kya hona chahiye? That is given to you per liter. Liter means what? That is volume. So you can write here any volume of the thing. Is that? So rate will be your rupees 20 per liter. So 1 liter is equal to how many centimeter cube? That you know it very well. Clear? So we know that 1 liter is equals to 1000 centimeter. So our rate ka jayega, that is 20 per 1000 centimeter cube, hai na? Okay. Into, now we are going to find out the volume. So what is the formula for the volume? 1 by 3. Clear the formula? Yaad hai na sabhi ko? Yes, 1 by 3 pi h capital R square plus capital R into small r into small r. This is the formula. Now, चलिए आगे solve करते हैं. Centimeter cube, यहाँ पे भी centimeter cube, दोनों cancel out हो जाएंगे. So, we are having this one 3.14 into h will be your 16. Now here, capital R square means square of 20 plus 20 into 8 plus 8 square. Is that? वहाँ पे क्यों? वो भी तो लिखा हुआ है. ये सेंटीमीटर क्यूब इट इज, इसलिए मैंने गलत लिख दिया. ये स्क्वायर ही रहेगा, वो एरिया है. बाकी तो आपका सेंटीमीटर क्यूब ही हमने लिखा हुआ है, आई थिंक सो. इज दैट ओके? नाउ
सो 400 अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट ओनली डू द कैलकुलेशन. ओके 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 तो नितिन जल्दी से कैलकुलेशन करिए, इतना कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, मैं वेस्ट नहीं करूंगा. जल्दी से 208, चलिए हम और भी कर दिया 208 पॉइंट है ना 9984 रुपीस. दिस विल बी योर, हाँ राउंड फिगर्स में यू कैन से दैट इज इक्वल्स टू 209. आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना. आई होप आपने कैलकुलेशन सही किया होगा. अमर नेक्स्ट, ये तो था आपका कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट इज द कॉस्ट ऑफ मिल्क. ठीक है, समझ में आया सभी को. जो भी वॉल्यूम है, कितना हमें वॉल्यूम, कितना लीटर जो है हमारा मिल्क उसमें आएगा, पहले हमने ये कैलकुलेट किया. जो भी अमाउंट आया है उसको हमने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट यू गेट. हाँ, यहाँ पर हमने 20/1000 क्यों किया हुआ है, बिकॉज इट इज इन लीटर. सो 1 लीटर दैट इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब में रहता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और आपका यहाँ पे जो है वो सारे सेंटीमीटर में, सो आपका एरिया दैट विल आल्सो कम्स इन सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल होगा एंड दैट विल गिव यू द 20 रुपीस, रुपीस का आंसर आ जाएगा. तो दिस विल बी योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपका है इसमें, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन. हमें क्या करना है आपका, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज. ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज ऑन भी करने जाना है, कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज. Obviously, that is also equals to कितना होना चाहिए, वेट इंटू एरिया, है ना. यहाँ पे क्वान्टिटी हमारा क्या है, दैट इज एरिया. सो नाउ वेट विल बी योर, दैट इज 8/100 इंटू, नाउ एरिया विल बी योर, व्हाट टाइम विल बी योर, 12 होगा. क्लियर. So now, so how we are going to calculate the area? Area will be on, that is up to the pi r l. Okay, so yeah, because of pi into l into capital R plus small r plus area of this bottom one. लेकिन हमारे ये लगाया आज हम. Yes. So that is pi L capital R plus small r plus pi R. Is that? हाँ, TSA minus circle के लिए भी कह सकते हैं, और you can say that is or CSA plus, that is आपके ऊपर depend करता है. ठीक है, so now 8/100
take pi common, so 3.14 बाहर आ जाएगा. Now we have to calculate the value of L. अब हमें L की value calculate करनी थी. L is first को कल पढ़ा था. क्या दें? जल्दी से अमर हमें कैलकुलेट करके बता दो कि आपका जो है ना H की वैल्यू कितनी आएगी, है ना? जल्दी से बता दो. ठीक है, L is equals to under root H square plus R minus R का whole square. So 20 square यानी कि 400 plus 20 minus 8 that is 12, that is equals to कितना आएगा 144. So that is equals to कितना आएगा आपका 544. So 544 का square root. Square root of 544. जल्दी से. Yes, Amar. Amar Nitin. It is a 20. How it is? मुझे मैंने h two यार मेरा भी दिमाग कहाँ चल रहा है? ये 16 है ना? Height will be your 16. So that is your आपका. Yes, 256 आपका जाएगा. That is 400. That is. So यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? That is 20. Then 20 plus 8 that is 28 plus R का square that is आपका 8 is 8 upon 100 3.14. ठीक है, so 28 user that is 56 560 plus 64. Calculation देख लेना अमर, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? चलो यहाँ पे ठीक है, ऐड किया इसको, ऐड करने में कितना आएगा? दैट इज आपका 466 अगेन वही आ गया. सो दैट विल बी आपने आंसर लाई दिया है 156.7488. दिस मच रुपीस विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेटल शीट. क्लियर? तो ये आपको करना था. इस बार आपका क्या था? दैट इज कॉस्ट ऑफ मेटल सीट निकालना है. तो मेटल सीट क्या, दैट इज एरिया कितना है? जितना एरिया होगा उतना ही आपका मेटल भी वहां पे यूज होगा. तो हमें सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. एरिया हमने क्या लिया? दैट इज कर्व सरफेस एरिया अलोंग विद दैट इज आपका बॉटम भी लेना है. तो पाई एल कैपिटल आर दिस वन ये होता ही है फॉर्मूला, प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया एड कर दिया. एल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी. हाइट इज गिवन दैट इज 16. ठीक है, और 20 माइनस 8 यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दैट इज 20 माइनस आपका क्या 12 आ जाएगा. 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर दैट इज 400. दिस विल बी योर 20. इज दैट? सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. यानी किस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना था, कॉस्ट ऑफ मेटल सीट निकालना था. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स बॉयज एनीवन हैविंग प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5. A metallic right circular cone 20 cm high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane. चलिए ठीक है, वो फ्रस्टम का फॉर्मेशन करेगा. अभी क्लास ले
So now, a metallic right circular, we have made a cone will be there, so its height will be x. That is so it will be at the middle. So यहां से height कितना होगा, ठीक है, ये height आपका 20 है. So this will be your height. Ten. क्या messages आ रहे हैं भाई? Now if the frustum is obtained, be drawn into a wire of diameter 1, this one, find the length of the wire. अभी जो frustum यहाँ से हमें मिलेगा, इसको cut करने पे, it means ये जो आपका half frustum क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि volume of frustum, frustum को हमने किसमें convert कर दिया, that is converted into wire. तो सिलेंडर में कन्वर्ट हुआ, वायर कैसा था आपका, सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट हुए, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दैट इज 1/3 πh कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, आपका जो भी होगा, ठीक है, आर ऑफ सिलेंडर इंटू दैट इज आपका हाइट, यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी ये आपको कन्वर्जन करना है. क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, कि आपका जो है देयर विल बी अ कोन, कोन का ठीक है, सो देयर विल बी कोन, कोन पे आपका देख रहे हैं वर्टिकल एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है ना, ऑब्वियसली वहां पे क्या अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, देन वी कैन कैलकुलेट. अब आपका 60 डिग्री का अगर एंगल बनेगा और आपके पास हाइट प्रोवाइडेड है, हाइट प्रोवाइडेड इन द सेंस कि अगर आपको एच दिया हुआ है, सो दिस विल बी आपका क्या होगा, 30 डिग्री है, दिस एंगल विल बी योर 30 डिग्री. अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करना है, ट्रिग्नोमेट्री का. सो जस्ट टू कैलकुलेट दैट इज द रेडियस, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है. रेडियस निकालने के लिए हमारे पास क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दैट इज हमें क्या, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो आपने पढ़ा है ऐसे थोड़ा सा, चलिए भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है, पढ़ लेना चाहिए हम लोगों को. सो दिस विल बी योर 30 डिग्री, ठीक है, दिस विल बी योर आपका, मान लीजिए हम इस आर की बात कर रहे हैं, दिस विल बी स्मॉल आर, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, उस समय कैपिटल आर ले लेंगे. दिस हाइट विल बी योर 10, क्योंकि हाफ की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा 10. So we want to calculate, हमें क्या कितना है ये कैलकुलेट करना है आर. तो हमारे पास कौन सा ऐसा रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल होता है, दैट इज टेन थीटा. परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसका, दैट इज टेन थीटा. तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1/√3, ठीक है, दैट इज आपको कितना हो गया वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, टेबल में है आपको याद है. R and this will be your 10. So R will be your, that is 10 upon root. Hold it up. Is that clear? ये समझ में आया? Radius कैसे निकला है समझ में आ गया सभी को? इसी तरीके से अगर हमें बड़ा volume निकालना है, बड़ा capital R निकालना है, so capital R will be हो जाएगा आपका, that is 20, क्योंकि हम total आप क्या लेंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे, क्योंकि complete लेंगे, that will be your 20. So it will be 20 upon root 3. So these are your आपके small r and capital r का value. इस तरीके से मिल जाएगा by using trigonometry. ठीक है ना, trigonometry इस्तेमाल किया हमने, tan theta का इस्तेमाल किया, we are able to find out this one, क्योंकि ये आपका दोनों ratio किसमें था, perpendicular base, tan का relation होता है. ठीक है, इस तरीके से हम लोग calculate कर सकते हैं. यहाँ पे किसी को problem हो रहा है कि कैसे r की value हमने निकाली हुई, एनीवन, किसी के मन में ऐसा सवाल उठ रहा है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है.
चलिए अब आपको निकल गया, तो अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज यहाँ पे हमें देनी है, पुटअप करना है, एंड देन वी गेट द आंसर। ठीक है, सो अब आप चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसको हटा देते हैं, आपका आर का वैल्यू मिल गया, स्मॉल आर वैल्यू दैट इज 10 अपॉन रूट 3। हम इसमें भी कोई कैलकुलेशन इसके साथ नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, 20 अपॉन रूट 3। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसके कैलकुलेशन। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इज आपको कैलकुलेट करना है। सो दोनों में देखिए, सबसे पहली चीज को हम पाई और पाई यहीं से कैंसिल करो, पाई पाई कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज लेफ्ट टू यू, दैट इज 1/3। नाउ हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म विल बी योर, दैट इज 10 ओनली। ठीक है, कैपिटल आर आपका कितना हो गया, दैट इज 20 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन रूट 3 इंटू 10 अपॉन रूट 3 इंटू प्लस 10 अपॉन रूट 3 का हाफ कर देंगे, दैट इज 1/32। सो 1/32 चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 20 into 20 दैट इज 400/3, 200/3, 100/ 100/ अब यहां से हम रूट थ्री को फिर भी कॉमन ले सकते हैं, तो 10/ 100/3 कॉमन ले। सो 4 2 6 6 1 7, हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 7, दैट इज इक्वल्स टू 1/32 इंटू, चलिए एच की वैल्यू हमारी लेंथ कितनी आएगी, दैट इज ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अमर आप कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन कोई भी जल्दी से फटाक से कैलकुलेशन मारो। ठीक है, यस अमर, जस्ट डू द कैलकुलेशन, जल्दी से कोई भी कैलकुलेशन कर दो, ये मुझे करना पड़ेगा। चलिए हम ही कर लेते हैं, डेसिमल्स का जाएगा। सो 32 into 32 वी कैन राइट कितना लिख सकते हैं, 32 into 32 4 6 9 4 2 7 बस मरना उनको मरना। हाँ ठीक है, जो भी है अभी आ जाएगा। हाँ, इस तरीके का जो भी एक डेटा आ जाएगा कैलकुलेट कर ही लिए, दैट इज 7168000 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है ना,
बस 2 मिनट में तो मैं साइन करा देता हूं। हां सर बोल, ठीक है। सो आप कैलकुलेट करके अब आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। दिस विल बी योर हाइट सेंटीमीटर में है, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका 7.680/9, सो डेसिमल विल बी गेट चेंज, है ना। दूसरे से आप आंसर ला सकते हैं, ला भी दिया है आपने, दैट इज 7964.44 मीटर। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर दिया करिए। सो नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, चैप्टर भी यहाँ से फिनिश हो जाता है। ऑप्शनल है, ठीक है ना, ऑप्शनल्स आर लेफ्ट, इफ यू वांट टू डिस्कस ऑप्शनल देन वी कैन कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। या आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर में रिगार्डिंग किसी आरएस अग्रवाल से, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है, सो वी कैन डिस्कस टुमारो। कल का एक दिन का हम लोग टाइम रख लेते हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और ऑप्शनल के क्वेश्चन अगर आप चाहोगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे, इज दैट ओके। सो देख रहे हो थोड़ा बुलावा ऑफिस से बहुत ज्यादा आ रहा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। सो नाउ आई हैव टू स्टॉप हियर ओनली।